अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है, इन बच्चों ने मोदी योगी के बारे में क्या कहा सुनकर कांग्रेस इतिहाद राहुल गांधी की आंखें खुल जाएंगी। बीजेपी और पॉलिटिकल अड्डा की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, और इशारा इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूहुल अब्बास है। कहाँ से हो? हम संभल से हैं। संभल से? क्या कौन सी क्लास में हो? सेवेंथ। क्या बनना चाहते हो आप? मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ पार्लियामेंट हाउस में। अरे वाह, बहुत अच्छा। अभी स्पीकर कौन है सर? इसका तो पता नहीं, क्योंकि बदल गए थे ना अभी थोड़े दिन पहले। कोई बात नहीं, अब ओम बिरला साहब हैं, ठीक है, और धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा में स्पीकर हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का नाम सुना है आपने? प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कैसा काम करते हैं? उनका काम बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, तो बच्चों के लिए। जैसे बोर्ड्स में पहले चीटिंग हो जाया करती थी, अब चीटिंग्स भी खत्म हो गई, मतलब अब एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे हमारे सीएम साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी हमारी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और इन्होंने जैसे लेडीज़ के साथ हुआ करता था, ये भी उन्होंने चीज़ें ख़त्म की है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की हैं। और जैसे पहले जॉब्स नहीं थी ज़्यादातर, अब जॉब्स भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करा है, तो कुछ बुरे काम भी किए हैं। बुरे काम जैसे? बुरे काम जैसे उन्होंने नोटबंदी की थी कुछ। अच्छा, आपको नोटबंदी अच्छा नहीं लगा? जी सर। चलो कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा ये बताओ कि ये यूपी में सेफ्टी वगैरह कैसी है? वो बहुत बोलते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी कि यूपी में सब सेफ हैं। सेफ हैं आप लोग? नहीं है जी। हाँ। जी सर, सेफ तो हर कोई है, हर बच्चा सेफ है, हर लेडीज सेफ है, हर जेंट्स सेफ है। हाँ। मतलब सेफ्टी पहले से इतनी अच्छी हो गई है यूपी में कि हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, 2024 में ना दो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे मान लेते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक राहुल गांधी। आप लोग वैसे वोटर हो नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के मन की बात भी जानना चाहता हूँ। आप लोगों को अगर चुनना होता तो आप किसे चुनते? अगर हम जैसे एजुकेशन के तौर पर देखा जाए तो हम नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे जी। आपका नाम क्या है बच्चे? वैष्णवी। आपका क्या मत है, कैसे लगते हैं प्राइम मिनिस्टर आपको? अच्छे लगते हैं, और उन्होंने काफी काम कराया है, जैसे कि इन्होंने कहा एजुकेशन में सबसे ज्यादा काम कराया है। और वो हम सब लोग भी देख सकते हैं, आजकल सारे हिंदी मीडियम स्कूल्स में भी अच्छी खासी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, उन्हें इंग्लिश सिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और देश वगैरह कुछ आगे बढ़ रहा है? आप लोगों के गली मोहल्ले में सड़कें वगैरह कुछ बनी, आपको लग रहा है हाईवेज वगैरह कुछ बने? जी बिल्कुल बन रहा है, यही दिल्ली में बन रहा है। दिल्ली में ही बन रहा है। अच्छा, और आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होना चाहिए, और कुछ आपके हिसाब से आपका मन करे? वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो सबसे अच्छा काम है, अगर वो थोड़ी मॉन्यूमेंट्स पे, जैसे लोग कचरा वचरा फेंकते हैं, इस पे अगर थोड़ी कर दे, खत्म इसको कर दे, तो बहुत अच्छा होगा। स्वच्छ भारत मिशन? जी, स्वच्छ भारत मिशन। चलो बच्चे, एक और चीज मेरे को बताओ, योगी जी हैं आपके सीएम, वो कैसा काम करते हैं? जी अच्छा ही करते हैं, वो भी अच्छा काम करते जी। वहाँ पे हमारे रहने से, उनके रहने से सेफ्टी हो चुकी है काफी ज्यादा, उनके रहने से काफी सेफ्टी हो चुकी है। अच्छा, आपके पास भी दो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो अगर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो आप किसे चुनोगे? नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि हमको मतलब कि जैसे उन्होंने बताया एजुकेशन पर भी फोकस वो ज्यादा करते हैं, और हम लोगों की मतलब जैसे कि हर चीज पर उन्होंने फोकस अच्छा किया है। हर चीज पर उन्होंने अच्छा जी। आई वांट टू बिकम जस्ट लाइक अ, इफ आई वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सो आई विल फोकस जस्ट हिम पॉइंट्स आल्सो। मतलब अगर आप कोई प्रधानमंत्री बनते हो तो आप उनके जैसा बनोगे? या आई, ऑफ कोर्स आई विल। मोदी जी का नाम सुना है? यस सर। कैसे लगते हैं सर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन है वो प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। अरे आराम, एक मिनट, पहले तो सारे लोग एक साथ हो जाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, आराम से बात करेंगे ना। अच्छा, किस क्लास में हो बच्चे? एक एक करके बात करेंगे। किस क्लास में? सिक्स। तो क्या अच्छा लगता है मोदी जी में आपको? अच्छाई क्या है? वो तो सभी है। वो सभी है। अच्छा, राहुल जी का नाम पता है? नहीं पता। ये सर, वो कैसे लगते हैं? वो भी अच्छे हैं। वो भी अच्छे। अच्छा, किसको अगली बार चाहते हो आप? वैसे आप लोग तो वोट दो। मोदी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स करवाए आगरा में, मतलब पूरे इंडिया में, तो इसलिए आगे भी वही होने चाहिए। अच्छा, डेवलपमेंट कराए। अच्छा, आप डेवलपमेंट का मतलब जानते हो? जानते हो, तो आप बताओ आपके अनुसार डेवलपमेंट क्या क्या है?
जैसे कि हमारे साइड्स के जो है ना वो उधर के रोड्स, दो मिनट ले रहा हूँ, हमारे साइड्स के जो रोड्स है वो पूरे प्रॉपर क्लियर हो गए हैं। जो हमारे मतलब जो हमारे घर पे जो वाटर्स आते थे वो भी अब क्लीन आने लगे हैं, गंगा जी के वाटर्स आने लगे हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुआ है। क्या नाम है आपका बच्चे? खुशी। कौन सी क्लास में हो? सिक्स। और क्या लगा आपको कि मोदी जी ने कुछ अच्छा किया है? सर पुअर्स की हेल्प करी है। पुअर्स की हेल्प की है, कैसे? सप्लाईज करके, फूड वाटर्स की सप्लाईज करके। अच्छा, लाइक दिस। तो आप चाहते हो उन्हीं की गवर्नमेंट दोबारा आए? यस सर। अगर आपको वोट देना हो तो आप किन चीजों पे वोट दोगे ये बताओ। एग्जांपल मतलब अगर आपको वोट देना हो, मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना हो, तो आप क्या सोच के वोट दोगे? कि वो आगे चल के मतलब डेवलपमेंट करे और हमारे काम आए। हाँ मतलब जैसे कि जो है वो आगे चल के और अच्छा होता है हमारा। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? IAS बनना चाहते हो। क्या करोगे IAS बन के? देश की सेवा। देश की सेवा। अच्छा, ये मोदी जी ने आर्मी वगैरह को स्ट्रॉन्ग किया या नहीं किया, क्या लग रहा है आपको? पहले से तो स्ट्रॉन्ग किया है। पहले से स्ट्रॉन्ग किया है। ऐसा कैसे पता चला आपको, कैसे लगा? मतलब गूगल से थोड़ा बहुत पता चल जाता है। गूगल वगैरह से पता चल जाता है। अच्छा, राहुल जी के बारे में क्या कहना है आपका? अभी मैं उनके बारे में ढंग से जानती नहीं हूँ, तो इससे पूछे। मैं भी अच्छे से नहीं जानती उनके बारे में। कोई बात नहीं बच्चे, थैंक यू। वाओ यार, क्या इतने छोटे छोटे बच्चे जो है उनमें भी इतना कॉन्फिडेंस है, और पाकिस्तान के बच्चों, बड़े बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये यकीन करें। अपने आप को भी देखें उस वक्त के टाइम पे, तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उस वक्त। तो खैर, जो इंडियन बच्चे उस वक्त हमारे दौर के जो थे उस वक्त उनमें भी नहीं था, लेकिन आजकल इंडियन के बच्चों में भी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो चुका है, पाकिस्तान में अभी नहीं हुआ। मतलब जिस तरह के वो बात कर रहे थे और फिर एट दी एंड वो साथ चल भी रहे हैं और वॉक भी हो रही है साथ साथ, टाइम शायद खत्म हो गया उनका, लेकिन वो उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि वो घबराए नहीं, कैमरा है या माइक है ये क्या है, उनसे जो सवाल कर रहे हैं उसका सिर्फ वो जवाब दे रहे हैं। सबका दिल कर रहे हैं हम बोले, लेकिन हमारे दौर में हम पीछे पीछे होते थे सारे, क्या बोलेंगे, क्या सवाल होगा, जवाब। बच्चों की तरफ से बड़ा जी पॉजिटिव मैसेज, एक बहुत जबरदस्त बात की गई है कि नरेंद्र मोदी उनको इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बड़ा बेहतर हो गया है। और किसी भी कंट्री की जो तरक्की का रीढ़ की हड्डी होती है ना, तरक्की जिसके साथ जुड़ी होती है वो एजुकेशन ही मेन चीज होती है। बिल्कुल, जिस कंट्री की जितनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होगी उतना ही ज्यादा वो डेवलप करेगा। बेशक, तो एजुकेशन का किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। तरक्की याफ्ता मुमालिक तभी जाके बनते हैं जब उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। और अगर इन बच्चों की बात की जाए, इन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनको बड़ा अच्छे तरीके से एजुकेट करते हैं। इस तरह के जो गूगल से इंफॉर्मेशन वगैरह देखे ना, बच्चों का जो मोबाइल इस्तेमाल करने का जो पॉजिटिव तरीका है वो वालदैन का काम बनता है उनको बताना। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो उनके वालदैन उनको गाइड करते रहते हैं कि गूगल से वो क्या क्या चीजें सर्च करें। गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट कर रही है ना, जैसे वो मैंने मेंशन भी बहुत दफा किया है कि आमिर खान का प्रोग्राम था, उसमें वो बता रहे थे, टीचर आए हुए थे, स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने बच्चा खड़ा किया, उसे पूछा है कि गुड टच और बैड टच क्या है, उसके बारे में माशरे में क्या चल रहा है और किससे आप बात कर सकते हैं किससे नहीं कर सकते। वो सेफ्टी, जो सेफ्टी वाली चीजें थी ना, उनको वो बच्चों को पता था कि यार क्या चीज है क्या नहीं। आजकल के बच्चों को और बताना चाहे ना तो वो शर्माते हैं, फिर बड़े जो हैं वो बात नहीं करते। भाई उनको अवेयरनेस दें, ये माशरे में जब ये चीज खत्म होगी, वो सेफ्टी वाला जो उन्होंने वो क्या नाम है योगी जी, उन्होंने जो निकाला है वो तो उन्होंने फोर्सफुली निकाला है, अगर देखा जाए इन रियलिटी वो उन्होंने फोर्सफुली निकाला है क्योंकि अवाम कंट्रोल नहीं हो रही, और इस चीज पर उन्होंने कंट्रोल लाने के लिए उस चीज को ऐसा लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया है। बीच में बोला है ना कि लेडीज की सेफ्टी हो गई है और बच्चों की सेफ्टी हो गई है, एजुकेशन का जो है वो निजाम ठीक हो गया है, रोडें बन गई है, और क्या चाहिए, तरक्की की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है मुल्क। नो डाउट, बिल्कुल जी। बच्ची को देखा जाए, खुशी नाम की जो लड़की थी, उसे भी पता है गूगल से हमें क्या करते हैं। और पाकिस्तान का हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि उसमें वो 10 क्लास वाला लड़का था, उन्हें भी नहीं पता था कि गूगल से हम क्या कर सकते हैं, उसका क्या फायदा है। ये इंडिया और पाकिस्तान में देखो डिफरेंस है। और बच्चों का देखा जाए तो देखो, उन्होंने एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है, खुशी जी है, मेरा खुशी बेटी है, वो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राहुल जी से नफरत कर रही हूं, वो अच्छी बात की है, वो बोलते हैं वो भी ठीक है, पर हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं कि इन्होंने वाकई काम किया है, इन्होंने हर चीज में बेहतरी लाई है। देखो उनके बच्चों को भी इतना पता है, पॉजिटिविटी आती है उस वक्त जब नफरत ना सिखाई जाए। नफरत, हाँ ये बात भी बिल्कुल है, आपने सही रखा हो ना, बिल्कुल शांति, ये जिन चीज का बीच हो ना आप, मेरे हाल में वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो करेगा पौधा वो आगे तरक्की की तरफ ही जाएगा और अच्छे काम ही। और करंट सिचुएशन अगर देखी जाए, जो उन्होंने सवाल किया था, करंट सिचुएशन के हिसाब से
कोई भी हो वो यही इम्प्लीमेंट करेगा कि मोदी सरकार आए और दोबारा, क्योंकि जितनी मैं कहूँ कि शॉर्ट वे में कर लें, कम टाइम में तरक्की हुई है इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में, बिल्कुल तो मेरे ख्याल में मोदी सरकार का इनको देना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम अगर आवाम चाहती है कि इंडिया जो है और आगे बढ़े और जो उन्होंने अपने प्लान्स रखे हुए हैं जहाँ तक उन्होंने पहुँचना है, तो मेरे ख्याल में इनको कामयाब करना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। और जहाँ तक हमें फील होता है हमारी टीम को कि आएंगे ज़रूर, लेकिन लेट्स सी क्या फैसला होता है, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान में जैसे होता है कि पहले सिलेक्टेड होते हैं और इलेक्शन करवा रहे होते हैं, कभी कोई ड्रामा हो रहा होता है और सारे काम धांधली पे चलता है, तो सिलेक्ट पहले तो आवाम को अक्सर पता होता है कि यार वो ही आएगा बंदा, लेकिन यहाँ पे काम करने वाला बंदा सिलेक्ट हो रहा है जो आगे आके काम करेगा आने वाली नस्लों के लिए और इंडिया को बेहतर बनाएगा। और देख लें नई नस्ल कैसे बात कर रही है, कितना काम। मैं वाकई हैरान हो गया हूँ कि इतने छोटे बच्चों में जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल, ये देख के ना बड़ा अच्छा भी लगा। और जो पहले लड़के आया था, वो जो लड़का आया था, उसमें भी कॉन्फिडेंस काफी अच्छा, उसने सीधा बोल दिया कि मुझे इस वक्त का नहीं पता लेकिन पहले का पता, वो अभी तो चेंज हो गया ना, तो फिर उन्होंने बताया भी नाम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सामने कैमरा भी है, माइक भी है, लेकिन नॉलेज भी है उनके पास, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस भी है। तो ये चीज एजुकेशन बता रही है चीज के इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो वैसे। और लेकिन यही कैमरा और यही माइक लेके अगर पाकिस्तान आ जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी सामने आके बच्चा नजर ही नहीं आएगा, कोशिश ही नहीं करेगा। बड़ों बड़े तो खैर चलो आएंगे नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूँ कि अभी जो स्कूल में है वहां पे जो है वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर किया जाता है, अप किया जाता है कि मैं वही देख के रहान हो रहा था इनका। तो अपने आप का भी अंदाजा लगाया कि अपने आप को उधर आके छठी क्लास में जब हम थे तो हम पीछे पीछे होते थे, अगर कुछ भी होता था तो यही कोशिश होती थी कोई कोई और जो है वो इसका जवाब दे दे और कोई और आगे आ जाए, सीधी बात है। तो लेकिन ये सारे इन सब का दिल ये कह रहा था कि मैं आ गया हूँ, मैं बोलूं, और सबको जो है वो देख लें, बच्चा बच्चा अब जानता है कि मोदी जी जो है वो काम कर रहे हैं, बड़े तो बड़े जानते ही हैं, बच्चे भी अब आजकल के इंडिया के वो जानते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन ठीक रास्ते पे है, कौन सही कर रहा है मुल्क के लिए, कौन गलत कर रहा है मुल्क के लिए, और कौन क्या है, और बिल्कुल उनकी सियासत पे नजर है, एजुकेशन पे नजर है, और बाकी हाईवे रोड चलो वो तो नजर आ ही जाते हैं, टेक्नोलॉजी है, और गूगल का सबसे बड़ा फायदा जो उठाते हैं वो फायदा, तो बिल्कुल ये चीज बहुत अच्छी लगी है मुझे। और बाकी ये है कि वीडियो अच्छी थी, मजा आया जी वीडियो देख के, और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हो सकता एजुकेशन के मामले में, और इसमें कोई शक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है जी, और मजा आया जी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी राय देना प्लीज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।